अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट ग्वादर गुरु। आज 11 अप्रैल 2022 है और हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वादर पोर्ट पे। आप देख सकते हैं कि ये ग्वादर का पोर्ट का जो मास्टर प्लान है वो यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है बड़ा ज़बरदस्त है, इसको भी आप देखें। और ये बिज़नेस सेंटर है, चाइना पाकिस्तान बिज़नेस सेंटर जो पोर्ट के अंदर डिज़ाइन किया गया है, फ्री जोन का ये एरिया है। और आज एनर्जी पे कॉन्फ्रेंस थी ग्वादर के अंदर, हम उसको अटेंड करने के लिए फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है और चाइनीज़ इस पे दिन रात काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उसके ऊपर आज सेमिनार था, उसमें भी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जीडा ने, ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट, उस पर ब्रीफिंग दी है। और जो बिज़नेस कम्यूनिटी है ग्वादर की वो भी उसमें मौजूद है, चाइनीज़ ऑफिशल्स भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऑफिशल्स भी उसमें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ग्वादर से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी फ्यूचर में। ये आप देख सकते हैं सर कि मैं जो इसका हॉल है, मेन हॉल है सेमिनार जहाँ पे हो रहा है उस एरिया में हूँ। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है यहाँ पे, पोर्ट का, ग्वादर पोर्ट का एरिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक्स यहाँ पर बन चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त व्यू भी आपको यहाँ से अगर मैं दिखा सकूँ तो कोई बातिल के साथ साथ का एरिया है। और पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा, चाइना का लहराता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे फाउंटेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़े अच्छे तरीके से ये जो गार्डन वगैरह डिज़ाइन किया गया है, फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं इस वक्त जो वो ग्वादर में हो चुकी हैं। तो मैं दोस्तों से, इन्वेस्टरों से यही कहूँगा कि आप लोग भी तशरीफ लाएँ। ग्वादर बदल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंगापुर दुबई बनने के लिए जा रहा है। तो आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें और ग्वादर में इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। मेरा चैनल ग्वादर गुरु ज़रूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी ग्वादर से रिलेटेड वो आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ग्रो विद ग्वादर विद गुरु ऑफ ग्वादर। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.